हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं कोई स्टूडियो में या किसी अच्छे बैकग्राउंड के सामने नहीं हूँ, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। और एक छोटी सी टिप मैं आपको देने वाला था, ट्रिक आप कह सकते हैं, कि आप कैसे अपने कंप्यूटर में प्लेस्टेशन के गेम्स खेल सकते हैं। प्लेस्टेशन 2, जो प्लेस्टेशन 2 था वो बहुत ही पॉपुलर कंसोल था जब रिलीज हुआ था, और अब भी लोग इसको खेलते हैं। प्लेस्टेशन 2 को काफ़ी पुराना हो चुका है, अब तो बहुत सस्ता भी मिलता है, लेकिन इसके गेम्स कुछ ऐसे थे बहुत पॉपुलर हुए, जैसे स्मैकडाउन पेन और गॉड हैंड और गॉड ऑफ वॉर। ऐसे जो पॉपुलर गेम्स थे वो बहुत खेले गए प्लेस्टेशन 2 पे। लेकिन कई लोगों के पास प्लेस्टेशन 2 नहीं है तो वो गेम्स नहीं खेल पाते ये वाले। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में, विंडोज़ कंप्यूटर में, प्लेस्टेशन 2 के गेम्स खेल सकते हैं। तो हम देखेंगे, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं आपको, अपने कंप्यूटर में खेल के दिखाऊंगा एक गेम। ये तो रही गेम की बात, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइव आऊँ, मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर लाइव दूँ। तो यूट्यूब पर तो लाइव आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे जो इंटरनेट की स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि यूट्यूब में मैं लाइव आ सकूँ। लेकिन मेरा फेसबुक पेज है, अगर आप वहाँ मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लेते हैं और हम अच्छी खासी ऑडियंस वहाँ जमा कर पाए, तो मैं हफ्ते में 2 या 3 बार फेसबुक पर लाइव आऊंगा। वहां आप मुझसे लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। चलो, ये तो बात रही लाइव होने की, तो देखते हैं अगर ज़्यादा ऑडियंस होगी और ज़्यादा लाइक्स होंगे मेरे फेसबुक पेज पर, काफ़ी लोग होंगे, तो मैं ज़रूर लाइव आऊंगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। क्योंकि आप कमेंट में लिखते हैं तो बहुत मुश्किल होता है सबके कमेंट को रिप्लाई करना। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं सारे लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई दूं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप प्रैक्टिकल दिखाएं या जब सामने बोलें तो बेहतर होता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप फेसबुक पेज लाइक कर लें और मैं हो सकता है अगले हफ्ते लाइव आऊं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम प्लेस्टेशन 2 के गेम्स अपने कंप्यूटर में खेल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कैसे हमें प्लेस्टेशन 2 के गेम्स खेलने हैं। हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली, गेम। यहाँ पर मेरे पास WWE स्मैकडाउन पेन एक गेम है प्लेस्टेशन 2 का, बहुत ही पॉपुलर गेम है, रेसलिंग गेम है, वो मेरे पास इस वक्त है, जो कि ISO फॉर्मेट में है। जो डिस्क की इमेजेस होती हैं वो ज़्यादातर ISO फॉर्मेट में ही होती हैं, तो ये गेम की जो डिस्क है उसकी पूरी की पूरी इमेज है। ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, या अगर आपके दोस्त के पास ये गेम है तो आप ये उससे ले सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें चाहिए, इम्यूलेटर। इम्यूलेटर ही वो सॉफ्टवेयर है जो इस गेम को कंप्यूटर में चलाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि इम्यूलेटर क्या होता है और आप जानना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे मेरी दूसरी वीडियो खुलेगी, जहाँ पर मैंने इम्यूलेटर के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। तीसरी चीज़ हमें चाहिए, इम्यूलेटर की सेटिंग। वैसे तो सेटिंग आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारी सेटिंग्स करके आपको दूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी गेम खेल सकें और जो गेम की आउटपुट आए वो काफ़ी अच्छी आए, स्पीड काफ़ी अच्छी आए। इस गेम को रन करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपके कंप्यूटर में आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए ही चाहिए। अगर नॉर्मल सा डिसेंट सा कंप्यूटर है, 2 GB रैम है, तो आप इस गेम को खेल सकते हैं और बाकी गेमों को भी खेल सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं करता जाऊँ यहाँ पर, आप फॉलो करते जाइए मुझे और आप गेम खेल पाएंगे। सबसे पहले मैं इम्यूलेटर वाले फोल्डर को खोलूँगा, और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम इम्यूलेटर वाले फोल्डर को खोल लेते हैं। खोल लिया हमने। अब हम ये जो PCSX2 आइकन दिख रहा है, ये इसको हम रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले कुछ वार्निंग आती है, इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पर यूज़र डॉक्यूमेंट्स कहाँ सेव होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको चेंजेस क्या लाने हैं, जो पैड लिखा हुआ है उसको ड्रॉप डाउन करके आपको SSSPSX पैड प्रेशर मोड 1.7.1 पे लाकर करना है। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ देनी है। फिर हमें नेक्स्ट बटन दबाना है। अब ये बायोस सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम बायोस सेलेक्ट करेंगे। ब्राउज़ करें और डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करें। मैंने डेस्कटॉप पे अपना वो किया हुआ था सेव, तो यहाँ पर हमें वो इम्यूलेटर का फोल्डर मिल गया। अभी इम्यूलेटर के फोल्डर के अंदर ही मैंने बायोस डाले हुए हैं। आप वहाँ से बायोस सेलेक्ट करें और ओके बटन दबा दें। अब आपको 3 बायोस मिलेंगे, यूरोप, जापान, USA। आप USA सेलेक्ट कीजिए और फिनिश बटन दबा दीजिए। अब आप देखेंगे आपको ये इम्यूलेटर खुला हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस इज गुड, लेकिन अभी हम पूरी तरह से सेटिंग हमने कंप्लीट नहीं की है, अभी भी कई चीज़ें बाकी हैं। अब हमें क्या करना है,
हमें डॉक्यूमेंट्स में, हमें सबसे पहले ये जो सेटिंग है इसको, इस वाले फोल्डर को कॉपी कर लेना है और हमें डॉक्यूमेंट्स में जाना है। डॉक्यूमेंट्स में जाकर हमें जो पहले से उस नाम का फोल्डर है उसे डिलीट करना है, और जो हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट करना है। उसके लिए पहले हमें ये एमुलेटर काटना होगा और पहले से जो डाउनलोडेड, पहले से जो आया हुआ है इसमें फोल्डर, इसको हमें डिलीट करना होगा। अब हमें जो हमारा खुद की सेटिंग्स, जो हमारा फोल्डर है उसे पेस्ट करना होगा। ये हो गया, अब हम इसे काट देना है और ये डॉक्यूमेंट्स में हमने पेस्ट किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इम्यूलेटर का फोल्डर फिर से खोलना है, देखिए खुल गया, और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिविलेज से चलाना है। देखिए द न्यू कॉन्फ़िगरेशन जीएस प्लगइन फाइल वाज नॉट फाउंड, ठीक है, ओके कर दीजिए इसे, सब कुछ फिर से खुलेगा और फिर से आपको ये पैड की सेटिंग को SSSPSX पे करना है, बाकी सब ऐसे ही छोड़ देना है, अप्लाई करके ओके कर देना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं एमुलेटर खुला हुआ है, अब बूट पर क्लिक, इस हमें क्लिक करना है और रन CD/DVD इस पर क्लिक करना है, ओके बटन प्रेस करना है और आपको ये फिर से बायोस सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया डेस्कटॉप पे हमारा एमुलेटर है, बायोस है, ओके करिए, USA का सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं प्लेस्टेशन 2 का कंसोल खुल चुका है, लेकिन अभी हम इससे गेम नहीं खेल पाएंगे, तो हमें एस्केप बटन दबाना है। हमने एस्केप बटन दबाया, अब CD/DVD पे जाइए और ISO सेलेक्टर पे क्लिक कीजिए और ब्राउज कीजिए, और हमारी ISO इमेज कहाँ है गेम की, डेस्कटॉप पे, वो हमने सेलेक्ट कर ली, ओके दबा दिया। अब हम बूट पे जाएंगे, रन CD/DVD करेंगे और यस करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये कंसोल खुल रहा है, इसको ओपन होने दें। अब हमारा गेम चल जाना चाहिए, ये देखिए हमारा प्लेस्टेशन का जो गेम है वो चल चुका है, अब हम इसे खेल सकते हैं। मैं इसे स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए इसके जो रेजोल्यूशन है वो इतनी अच्छी नहीं है और गेम थोड़ा स्मूथ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में बिना रिकॉर्डर के खेलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आपको ये गेम नज़र आएगा। कुछ कुछ इसके ग्राफिक्स ठीक नज़र नहीं आएंगे, लेकिन मोस्टली 80% गेम बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा जैसे आपके प्लेस्टेशन 2 में चलता था। तो मैं जल्दी से क्विकली आपको ये गेम चला के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं गेम खुल चुका है, बस अब आप इसे खेलिए। और ये एक ही गेम नहीं, आप प्लेस्टेशन 2 का कोई भी गेम ऐसे चला सकते हैं, आपने कीबोर्ड के बटन से आप इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ए बटन से किया हुआ है सेलेक्ट, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अलग अलग ऑप्शंस आते हैं इसमें, बाकी सब इसमें आप देख सकते हैं कौन सी की क्या काम करती है, और आप उसे सेट भी कर सकते हैं इम्यूलेटर की सेटिंग्स में जाके, गेम पैड में जाके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।